भाई लोग, सिंपल लड़े चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। आज सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा धूप है और हम निकल पड़े हैं KTM के सर्विस सेंटर जाने के लिए, जो कि हमारे उदय भाई का बाइक KTM ड्यूक 200 BS6 मॉडल वाला, जिसका आज फर्स्ट सर्विस है और बहुत दिन से कहीं राइड पर जाने का बहुत मन कर रहा था। तो आज हम लोग जा रहे हैं इको पार्क, और इको पार्क थोड़ा सा ड्रोन शॉट वगैरह आपको दिखाएंगे, और उदय भाई का जो बाइक है उसका फर्स्ट सर्विस होगा, और बाइक में कुछ एक्सीडेंट्स के वजह से बाइक का मतलब फुट रेस वगैरह टूट गया था और कुछ ग्रैब रेल वगैरह घिस गया था, तो मीटर भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। तो उसके लिए आज हम लोग जाने वाले हैं सर्विस में, और उन सब को फिक्स करा के हम आज कोलाघाट जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से कहीं राइड में नहीं गए, राइड वगैरह हो ही नहीं पा रहा था। ये लॉकडाउन के वजह से पूरा एकदम लॉकडाउन हो चुका था और कहीं हम निकल नहीं पा रहे थे। तो फाइनली लॉकडाउन थोड़ा बहुत हटने के बाद आज हम जाने वाले हैं कोलाघाट। सबसे पहले हम यहां से जाएंगे KTM ड्यूक 200 के सर्विस सेंटर, वहां से सर्विस करा के देन हम वहां से निकलेंगे इको पार्क, इको पार्क से फिर हम लोग वहां से जाएंगे कोलाघाट। तो आज बहुत लंबा राइड होने वाला है और काफ़ी मज़ा आने वाला है, और KTM का जो सर्विस सेंटर है वो भी काफ़ी अच्छे जगह में है, और वो कोलकाता का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर है KTM का। चलिए दिखाते हैं आप लोग को भी। भाई लोग, शोरूम में आते ना आते ही कांड हो गया है, क्योंकि सर्विस में हमने जैसे ही बाइक दिया तो उन्होंने बाइक को रैंप पर उठाना शुरू किया और बाइक धड़ाम से नीचे गिर गई, बाइक का टैंक डैमेज हो गया। वो देखिए, वो भैया ने दोबारा फिर से टैंक गिरा दिया बाइक का, सर्विस से वो लोग फ्री में टैंक चेंज कर रहे थे, और ये दोबारा से टैंक आया तो फिर दोबारा उन्होंने टैंक गिरा दिया, और फिर अभी एक और टैंक आएगा, और मीटर थोड़ा बहुत ठीक था तो उन्होंने मीटर पूरा ही बिगाड़ दिया, एकदम ख़त्म हो गया वो मीटर, अब चालू ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए वो लोग बोले, सर आप 2 महीने बाद आइए तो नया मीटर आपको लगा दिया जाएगा। तो KTM का सबसे बड़ा सर्विस है ये कोलकाता का सर्विस सेंटर, तो इसमें तो फ़िलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ये लोग क्रिएट किए जा रहे हैं, हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ गिरा रहे हैं वगैरह, इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। उनके शोरूम का और सर्विस सेंटर का रेपुटेशन एकदम धूल में मिल गया भाई। तो अभी भाई लोग, हम लोग फ़िलहाल जाने वाले हैं इको पार्क, तो इको पार्क में थोड़ा बहुत ड्रोन शॉट वगैरह आप लोग को दिखाएंगे, फिर वहां से हम सीधे निकल जाएंगे कोलाघाट के लिए। और उदय भाई का बाइक अभी सर्विस में हमने दे दिया है और वो सर्विस स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, और अभी हम जा रहे हैं इको पार्क। इको पार्क में थोड़ा देर रहेंगे जब तक उसका बाइक का सर्विस वगैरह हो जाता है। भाई लोग, फाइनली उदय भाई के बाइक का सर्विस हो गया है, और KTM वालों ने तो जैसे एकदम खून के आंसू रुलाए। बाइक उनको दिया था हमने सुबह में 11 बजे और उन्होंने सर्विस करके दिया शाम को 7:15 में। अब मतलब कोलाघाट जाने का मूड सबका एकदम ख़राब हो चुका था, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, पर फिर भी मैंने सबको मनाया, बोला चल भाई बहुत दिन हो गया कहीं राइड वगैरह किए हुए, तो अभी सब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। पर KTM वालों से ये शिकायत है भाई, दूसरी बार अगर जाओ ना तो प्लीज़ यार ऐसा मत करना, अगर कोई KTM से देख रहा तो प्लीज़ यार ऐसा मत करना। आप लोग ने जैसा लापरवाही किया और उसके बाइक का टैंक वगैरह
किसी का भी अगर नया बाइक रहेगा, हाँ मानता हूँ कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपने चेंज करके दिया, पर लेकिन फिर भी अगर किसी का नया बाइक वगैरह रहता है तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुली यूज़ करना चाहिए या फिर केयरफुली उसे सर्विस वगैरह करना चाहिए। और आप देख रहे हैं अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है और मैंने अपने बाइक में ये चार इंडिकेटर एक साथ जलता है वो स्विच लगवाया, जो कि मुझे पूरा फिटिंग के साथ 140 रुपए का पड़ा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं हाईवे पर आपकी विजिबिलिटी कितनी हो जाती है, आपको दूर से ही कोई भी आपको देख लेगा। और ये चारों इंडिकेटर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जो कि एक साथ जल रहे हैं, आप भी लगवा सकते हैं और इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊँगा। भाई लोग हम लोग फाइनली पहुंच गए और हम एक घंटे के अंदर कोलाघाट पहुंच गए, जो कि हमारे घर से 76 किलोमीटर्स था और काफ़ी मज़ा आया। हमने 100, 90, 80 इतने में बाइक को नॉनस्टॉप चलाया, कहीं भी नहीं रुके और पहुंच गए। क्या भाई, 100 रुपये का सेल लस्सी है? अच्छा अच्छा अच्छा, अबे ऐसे रख के फोटो लेना सर। और ये है हमारी बाइकें जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और ये है शेर पंजाब ढाबा, जहाँ का सैंडविच और लस्सी काफ़ी काफ़ी अच्छा था। तो अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और फिर दोबारा से हमें एक घंटे में अभी पहुँचना पड़ेगा घर, क्योंकि बज चुके हैं रात के 11 और एक घंटे बाद बज जाएंगे 12। अब 12 बजने से आप भी जानते हैं घर पे होती है पिटाई। और धनराज भाई के घर से भी फ़ोन आ गया है और उदय भाई भी अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। तो चलिए, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।